नहीं, ऐसा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहले ही आर्टिकल 16(4)A और 16(4)B में जो प्रमोशन का रिजर्वेशन था, उस रिजर्वेशन को उन्होंने पहले कहा था कि सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द स्टेट। आर्टिकल 16(4)A और 16(4)B को उसने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं किया। उसने कहा कि 16(4)A 16(4)B राज्य में उन्हीं राज्यों में लागू हो सकता है जिन राज्यों में रिप्रेजेंटेशन कम है, और जहां रिप्रेजेंटेशन है वहां पर प्रमोशन नहीं हो सकता। वहां पर नेचुरल कोर्स में जैसे सब जाते हैं वैसे जाना चाहिए। तो इस बात को लेकर बार बार रिव्यू डाला गया, सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू गया। सुप्रीम कोर्ट ने पुनः यही कह दिया कि नहीं भाई, हम आर्टिकल 335 को ध्यान में रखते हैं, कोई भी रिजर्वेशन आर्टिकल 335 को परे रखकर नहीं हो सकता। आर्टिकल 335 में उसने क्या कहा, उसने कहा सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ इफिशियंसी ऑफ द नेशन। ऐसा ना हो कि हम रिजर्वेशन के चक्कर में राष्ट्र हित भूल जाएं और राष्ट्र की प्रोग्रेस स्लो डाउन हो जाए, इसलिए कोई भी प्रमोशन या कोई भी रिजर्वेशन वैसा ही हो सकता है जो राष्ट्र पर बहुत प्रभाव न डाल रहा हो, राज्य की इफिशिएंसी कमजोर ना हो रही हो, आप लोगों को अपलिफ्ट करिए लेकिन राष्ट्र के ऊपर नहीं। तो उसको ध्यान में रखते हुए ही पहले 50% की कैप लगाई थी उसने कि 50% से ऊपर का रिजर्वेशन किसी भी हालत में हो नहीं सकता, और अगर 50% से ऊपर का रिजर्वेशन होगा या आप उनको अपलिफ्ट करेंगे तो फिर राष्ट्र राज्य की इफिशिएंसी कमजोर ना हो। ठीक, अब इस बात को ध्यान में रखते हुए अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने उस समय आर्टिकल 16(1)16(4)A और 16(4)B जोड़ दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन आल्सो, प्रमोशन में भी रिजर्वेशन होगा। मायावती सरकार उत्तर प्रदेश में बैठी थी, उसने आउट ऑफ कंट्रोल रिजर्वेशन पर बहाल कर दिया, वो चैलेंज हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले ये देखना चाहिए कि कितने परसेंट रिजर्वेशन के लोग पहले प्रमोटेड स्थान पर बैठे हुए हैं उस रैंक पर। अगर उस रैंक पर पहले से ज्यादा लोग बैठे हुए हैं तो फिर उस रैंक पर प्रमोशन आउट ऑफ टर्न नहीं होना चाहिए, और अगर रिप्रेजेंटेशन वहां कम है तो आउट ऑफ टर्न रिजर्वेशन हो सकता है। तो आर्टिकल 16(4)A और आर्टिकल 16(4)B सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन इन द पोस्ट वैसे होना चाहिए। उस बात को लेकर बार बार रिव्यू पिटीशन है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट इस बात पर अड़ा हुआ है कि रिजर्वेशन की पॉलिसी देश की इफिशियंसी को ध्यान में रखते हुए ही अडॉप्ट की जा सकती है, रिप्रेजेंटेशन कम हो तो ही उसका आउट ऑफ टर्न रिजर्वेशन प्रमोशन दिया जा सकता है, अदरवाइज आउट ऑफ टर्न प्रमोशन नहीं दिया जा सकता। बार बार कंफर्म किया, अभी उसने फिर से वही कंफर्म कर दिया, इसमें नथिंग इज न्यू। अगर कोई ये डिमांड कर रहा है कि आउट ऑफ टर्न प्रमोशन होना चाहिए, जैसे चिराग पासवान ने कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट को फिर से सरकार को वो बदल देना चाहिए और सरकार को ऐसा कर देना चाहिए, याद रखना चाहिए अगर देश है तो रिजर्वेशन है, और देश अगर कमजोर हो गया, देश में अगर ताकत ना बची तो रिजर्वेशन कहां, अंग्रेज सरकार के पास रिजर्वेशन या मुगल सरकार के पास रिजर्वेशन? रिजर्वेशन तो हम तभी दे सकते हैं या ले सकते हैं जब देश स्ट्रांग होगा। तो किसी भी हालत में कोई रिजर्वेशन, कोई भी पॉलिसी, कोई भी धरना, कोई प्रदर्शन, कोई कानून ऐसा नहीं बनाया जा सकता जो देश की प्रोग्रेस पर प्रश्न खड़ा करे। और जहां कहीं भी देश की प्रोग्रेस पर कभी प्रश्न आता है तो ऐसे कानूनों को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाता है। जैसे राइट टू प्रोटेस्ट इज अ फंडामेंटल राइट, लोगों ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा राइट टू बंद, सीपीआई के मामले में राइट टू बंद एंड प्रोटेस्ट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। आप कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है, यू हैव टू इन्फॉर्म टू द गवर्नमेंट बाई द मैकेनिज्म। आप मैकेनिज्म, जैसे आप जाइए और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अपना ज्ञापन देकर आइए, आप जाइए डिस्ट्रिक्ट जज को अपना ज्ञापन देकर आइए, आप जाइए मिनिस्ट्री को अपना ज्ञापन देकर आइए, आप जाइए कोर्ट में पहुंचिए। अगर ज्ञापनों से आपका काम नहीं चल रहा, आप बार बार उनको आगाह कर रहे हैं, वो नहीं मान रहे हैं, तो फिर आपके पास एक लीगल प्रोसीजर है। लेकिन आप रोड जाम कर देंगे, आप देश बंद कर देंगे, आप गाड़ियां फूंक देंगे,
आप लोगों को जलाएंगे, आप देश को धमकियां देंगे, आप लोगों को धमकियां देंगे, ऐसा अधिकार किसी के पास नहीं, क्योंकि आर्टिकल 335 के तहत वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा, क्योंकि इससे इफिशियंसी देश की डाउन होती है। इसलिए देश की इफिशियंसी डाउन करने वाला कोई कानून, कोई अधिकार, कोई फंडामेंटल राइट, कोई राइट ऐसा नहीं हो सकता जो देश की प्रोग्रेस में बाधा पैदा करे, ठीक है ना। ये सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता है, इसलिए चाहे वो रिजर्वेशन पर लागू कर लीजिए, चाहे वो धरने प्रदर्शन पर, चाहे बंद पर, चाहे प्रोटेस्ट पर, आप जहां चाहे वहां लागू कर दिए, देश के प्रोग्रेस इफेक्टिव नहीं होनी चाहिए। अगर प्रोग्रेस इफेक्टिव हुई तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये डॉक्टर अंबेडकर ने अपने बयानों में 25 नवंबर सन 1949 के बयानों में पार्लियामेंट के अंदर कहा था कि अब हम अंग्रेज सरकार के गुलाम नहीं हैं, अब हम किसी मुगलिया सरकार के गुलाम नहीं हैं, अब हम एक स्वतंत्र राष्ट्र हैं और हम डेमोक्रेटिक राष्ट्र हैं। हमारी डेमोक्रेटिक राष्ट्र होने की वजह से अब हम अपने द्वारा इस देश को चलाते हैं, हमने उसके लिए एक डेमोक्रेटिक सिस्टम बनाया हुआ है। अगर किसी को कोई समस्या होती है तो वो उस मैकेनिज्म से जा सकता है, और अगर उस मैकेनिज्म को अडॉप्ट करने के बजाय कोई और मैकेनिज्म अडॉप्ट करता है और देश पर कोई प्रभाव पड़ता है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। ऐसा डॉक्टर अंबेडकर 25 नवंबर सन 1949 की अपनी डिबेट में बोल चुके हैं। जो डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी अपने आप को कहते हैं या डॉक्टर अंबेडकर के फॉलोवर्स अपने आप को कहते हैं, डॉक्टर अंबेडकर को अपना अधिष्ठाता मानते हैं, डॉक्टर अंबेडकर को अपना भगवान मानते हैं, उनको डॉक्टर अंबेडकर की बात भी माननी चाहिए। केवल भगवान मानने से काम नहीं चलेगा। डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा दिए गए फॉर्मूले, डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा दिया गया संविधान, डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा दी गई व्यवस्था और उस व्यवस्था की मैकेनिज्म को भी फॉलो करना चाहिए, अदरवाइज वो ट्रू फॉलोवर ऑफ अंबेडकर नहीं कहलाएंगे और वो अंबेडकर के ही विरोधी, अंबेडकर के नाम से अंबेडकर का विरोध करने वाले कहलाएंगे।